मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह में 7 बजे से वीडियो स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो किचन का टॉप है वो चेंज करने के लिए आज आने वाले हैं लोग, इसलिए मुझे यहाँ से जो किचन के ड्रॉवर हैं उसे खाली करना पड़ेगा। तो पूरा काम अभी ये दोनों साइड में मुझे करने का है, तो बस चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो वाला टेबल भर गया पूरा, तो मुझे बीजा दूसरा टेबल लाके यहाँ पर ये सारी चीजें भरनी पड़ी हैं। और ये लोग आ गए हैं, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। निकल गया हमारा गैस वाला जो है। तो ये यहाँ से हमने पूरा बर्तन वगैरह खाली कर दिया है, गैस की सगड़ी को भी नीचे डाल के उन लोग ये खिल के ले गए हैं। गैस ऐसे होते हैं, ऐसी पतली प्लेट ही होती है पूरी, इस तरीके से ये पतली प्लेट होती है सिर्फ, और वहां से एक पाइप अटैच होता है। मैं बहुत ही हैप्पी हो गया है अभी ये सब देखकर, चीजों को बाहर के इतने सारे खिलौने बाहर आ गए हैं। आई जाए जुड़ी उसको अभी अभी सुबह में उठा ना तो गोदी में आना है, इसलिए वो पीछे पीछे घूम रहा था। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या हो रहा है यहाँ में, हमारा किचन टूट गया, देख तोड़ दिया हमारा किचन। किचन तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई कार कुछ करता है कार को तो प्रॉब्लम होता, तो रो रो के बुरा हल कर देता। तो यहाँ पर ये दूसरे जो भाई है उन्होंने भी अपना काम चालू कर दिया है, मैं ये ले लेती हूँ। ओ अभी तो ये वाला बाकी रह गया है पूरा, ये खाली करना है मुझे। यस यस आमिन। सारा सामान यहाँ से मैंने रिमूव कर चुकी हूँ, फाइनली वो भी हो गया है। तो यहाँ पर कोई प्लम्बर है तो कोई गैस का रिमूव करने वाला है, मतलब बहुत सारे लोग आ गए हैं, बाहर भी 3-4 है, अंदर भी 2 हैं। ये लोग हमको आज के आज ही ये सब करके देने वाले हैं, उसकी वजह से ये आमिर बताने क्या बोल रहा है साथ साथ में। तो बस यही है, तो चल रहा है काम अभी तो सब कुछ। और इसमें एक अंकल है जिन्होंने आते ही मुझे बोला नमस्ते, तो वो बहुत ही अलग लगा, पहले तो मैं ऐसे चौंक गई और फिर मैंने बोला नमस्ते। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुई है आज, पॉजिटिव वाइब से, क्योंकि कुछ घर में नया होता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब घर में आ ही जाती है, और जब वो बात किचन की होती है तो डेफिनेटली होता ही है। ठीक है, तो अभी इन लोग को मैं मेरा किचन सौंप देती हूँ, जो करना हो करो तोड़ फोड़ और मुझे नया बना के दो। सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी चीजें लेकर आए हैं, शायद ये पत्थर है। हाँ ये हमारा पत्थर जो हमने चूज किया था ना, वो है जो शेप में काटना होता है, यहाँ से नाप लेकर गए थे वो लोग, उसमें वो काट कर आए हैं। यहाँ पर शायद सिंक आएगी, ये इस तरीके का राउंड शायद सिंक का ही है। तो बढ़िया सा सब कुछ है, ये लोग अभी थोड़ा चिपका के भी आए हैं, देखो उन लोगों ने सब कुछ रेडी कर ही आए, शायद इसको सिर्फ रख ही देना है ना, और इस तरफ। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बड़ा मशीनरी जैसा कुछ है, और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे टूल्स वगैरह के लिए अच्छा सा सब अरेंजमेंट है, देखो छोटे छोटे खाने बना के रखे, सेल्फ बना के रखे, और उसमें सब सामान अच्छे से उन्होंने अरेंज करके रखा है। और उसके साथ ही यहाँ पर भी
थोड़े टूल्स है मुझे लगता है वो वाली कार में भी। तो बस इस तरीके से यहाँ पर भी शायद थोड़ा वो लोग सामान अंदर लेकर गए, वो रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल पत्थर टूटे नहीं, उस तरीके से वो लेकर किस तरीके से आते हैं वो मैंने बताया आपको। यहाँ पर एक तरफ का लगा दिया ये देखो, और ये अंकल ने मुझे नमस्ते बोला था। गुड मॉर्निंग अर्पित। गुड मॉर्निंग, कैसी है आज की सुबह? मुझे पता है मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। सुबह उठना मेरे लिए की भैंस को उठाना होता है। तो ये है मेरे पति जो अपने आप को भैंस बोलते हैं। मैंने मेरे को भैंस नहीं बोला, तू बोल रही है। मैंने बोला भैंस को जैसे उठाना होता है वैसे मेरे को उठना होता है। मिसाल तो आपने ही दी, मैं थोड़ी सी बार दी है। ओह माय गॉड। तो ये हमारा मॉर्निंग। अभी अर्पित जा रहा है नौकरी पे और आमिन टाटा कर रहा है। पापा ने टाटा करो है? हाँ, अभी वो जो चीजें भूल जाते हैं वो मैं अंदर जाके लेकर आती हूँ। जो मंगवाया है वो ये है बड़ा डिब्बा, जो मेरी नौकरी के लिए मुझे काम करना होता है, वो अर्पित फिर अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। वैसे भी आप लोग सब लोगों को पता ही है कि ज्यादातर तो अर्पित ही ये काम करते हैं, मैं सिर्फ हेल्प करती हूँ थोड़ा बहुत। अर्पित को कुछ और काम याद आया, बुला रहे वापस। बोल आमी, शू कर आमेन। तू चंपल वगैरह आटले चेक ना फरी जा, चप्पल पे ही नहीं कांटो वाकसे बेटा, जा चप्पल पे ही नहीं। देखो हमारा पुराना किचन। ये पुराना किचन जा रहा है। टाटा करो। पापा गया हाँ, ये बाजू थी राउंड मारी ना आया पापा जो कार होती ने जो। हाँ, जो आप किचन जो किचन बढ़ी जो। आमिन गाना गा रहा है। यहाँ का पत्थर वो लोग लेने गए, तब तक मैं मेरा डिश वॉशर का टॉप अभी ओपन है तो मैं उसे साफ कर दूँ, क्योंकि फिर एक बार ये पत्थर लग जाएगा ना तो फिर मैं साफ नहीं कर पाऊंगी। तो अभी चांसेस है। देखो यहाँ पर इस तरीके से पाइप होती है सिंक की, तो यहाँ का किचन अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है। तो ये सारा कचरा मैं अभी नीचे ही गिरा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कचरा है यहाँ पर। आज बहुत ही अच्छे से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। इस पर है ना ये चम्मच वगैरह का ड्रॉवर है, जिस पर मैंने ऐसे टॉलिया डाल दिया है ताकि इसमें कचरा ना जाए। और यहाँ पर तो बर्तन है ही, हमारी जो प्लेट है सर्विंग वगैरह सब हम रखते हैं, ये वो वाला टॉप है। तो बस ये है मेरा किचन, और अभी जैसे जैसे इसमें काम हो रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हर फीमेल को होता है ना किचन, जितना नया होता है उतना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम सबसे ज़्यादा ख्याल, सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा काम किचन में ही करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है दूसरा वाला भी। पत्थर टूटे नहीं उसकी वजह से ये लोग इतना ध्यान से संभाल के करते हैं। तो जिस पत्थर को मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था बाहर,
ये जो सिंक का कटा हुआ पार्ट न वो सब, तो बस ये पत्थर अभी कुछ ही मिनटों में आ गया मेरे किचन में हमेशा के लिए। इसमें क्या है कि जो लकड़ी का था ना वो यहाँ पर कर्व था, तो वो कर्व था वो अभी निकल गया है, तो ये जो है ना ये अभी हमको जल्दी जल्दी भी जाने में यूं लगे नहीं यहाँ तक। हाँ यहाँ से कर्व था, लंबाई तो सही है उतनी ही है, वो कम नहीं हुई है, बट ये अभी कोना शुरू में नए नए में संभालना पड़ेगा हम लोगों को लगे ना यूं, बट काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत ही बड़ा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशियस मैं तो खुश हो गई हूँ बहुत, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ लगता है। सिंक सफाई हो रही है, वो वहाँ पर लगेगी अभी, और ये देखो कैसा पुराना पत्थर लग रहा है अभी तो। I'm here. I'm in. तो बस यहाँ सुबह सुबह में मैं आई थी वेजी पेच के पास के अभी पानी डालने की ज़रूरत है कि नहीं, बट स्प्रिंकलर का पानी में भी वहाँ पर अभी बहुत सारा है, और शायद आमिन मुझे मिस कर रहा है इसलिए मैं आ गई जल्दी जल्दी वापस। आमिन मुझे मिस कर रहा था तू तो? दो मिनट में क्या हो गया तुझे? अच्छा मैं गोदी में ले लूँ, आ जा आ जा। ओके 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 नो वरीज, आई एम कमिंग। तो अभी मैं आमिन को खोल दूंगी ये सारे पर्दे, जिसकी वजह से आमिन अपने खिलौने के साथ यहाँ पे खेल पाएगा, है ना आमिन? है ना? हाँ बेटा। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ बाहर बैठ कर ही हो रहा है, आमिन को मैंने ब्रेड टोस्ट बना के दे दिया है, अभी मेरी बारी है। तो यही है ना, अभी तो गैस बंद है तो ब्रेड टोस्ट ही करके खा लेते हैं, मैंने सोचा सुबह सुबह में नाश्ते में, और माइक्रोवेव में चाय कर दूंगी, हो गया। कहाँ से हाइडिंग खेल रहा है, पता नहीं कहाँ से दिख रहा था तुझे। अच्छा यहाँ से वो अंकल दिख रहे थे। तो अभी किचन में जो हम बर्तनों के नीचे लगाते हैं ना जो पेपर्स, वो सारी मैट जो मैंने अभी वॉश कर ली है। आप लोग सोचो कि ये भी वाइट है, किचन का टाइल्स वाइट है, और किचन का टॉप भी अभी वाइट लगा दिया है। तो इसका रीज़न यही है कि मुझे और अर्पित हम दोनों को वाइट किचन बहुत ही पसंद है, और इसलिए हमारे किचन में ज़्यादा कलर आपको वाइट दिखेगा। भी मैंने इनसे परमिशन ले ली है कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ कि नहीं, और वो बोल रहे हैं कि कर सकती हूँ। तो मैं ये जो जगह है उसको सबसे पहले क्लीन करती हूँ, और फिर कुछ चेंज करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या चेंजिंग लाती हूँ वो दिखाती हूँ। ये मेरे पास पड़ा है किचन का मैट, तो उसको मैं चिपकाने वाली हूँ वहाँ पर, जैसा हम लोगों ने पहले यहाँ पर करके दिखाया है बिल्कुल वैसा ही। तो अभी ये चीज तो मैं बिल्कुल ही अनप्लान करने जा रही हूँ, तो कभी सोचा नहीं था कैसा मैं करूँगी आज के दिन तो जितने मेरे पास है अवेलेबल उतना जहाँ तक लगता है वो मैं लगा दूंगी। तो अभी ये लोग जा रहे, बाय बाय आमिन, अंदर आ जा बेटा, आमिन को उनके साथ ही जाना है, देखो मतलब उनको जाते हुए ही देखता है आमिन। नो देखो वो वापस वहाँ चला गया। तो इतना अच्छा काम कर कर गए हैं अंकल, अच्छे से नमस्ते वगैरह बोलकर गए हैं, वो जो भैया थे वो आमिन को अच्छे से ग्रीट किया, खेले उसके साथ, उसको अच्छे से बाय बाय बोला। यहाँ के लोग जो बच्चों से के साथ जो छोटी मोटी गेम करते हैं ऐसा सब किया, और उसको अच्छे से घर के अंदर छोड़ के गए, बट फिर भी वो दौड़ के बाहर आ गया तो बस ऐसा ही है। चलो बेटा, गाड़ी जाने के बाद आमिन दौड़ के अंदर जा रहा है, उसके पहले तो वो बाहर ही खड़ा रहा गाड़ी को देखने के लिए। अभी उन लोग को बाहर जाते हुए तो मैंने दिखाया, बट यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेरे वीडियो में सब नमस्ते वगैरह बोला था, बट तब मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी खुशी के मारे कि मेरे वीडियो में ये लोग आ रहे हैं ऐसा सोच के बट ये देखो हमारा किचन, आमिन को गोदी में आना है कि मामा तो वीडियो बनाए तब मुझे ऐसे लेकर बना यूं,
तो ये देखो हमारा किचन कितना बढ़िया सा बन गया है, और आप लोगों को भी कैमरा में शायद अच्छा ही लग रहा होगा। और ये हम लोग ने सब कैमरा ऑन नहीं किया, वरना ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा बनता उन लोग के साथ में। ये किचन का मैंने वीडियो लिया था बट कैमरा ऑन नहीं किया, मुझे इतना दुख हो रहा है उस मोमेंट के लिए बट क्या करूँ, अब मैंने मिस कर दिया। हाँ तो बस यहाँ पर देखो बच्चों के साथ वो किस तरीके से खेलते हैं, काम अपना उनको पूरा पता होता है। देखो छोटी मोटी सफाई भी कर कर वो लोग, मैं खड़ी रह के व्लॉग बनाती हूँ तो आमिर मुझे गोभी में लेने को बोलता रहता है, इसलिए मैं अभी नीचे बैठ गई हूँ। मैं बता रही हूँ कि कितने बजे ये काम खत्म हुआ है। देखो अभी बजे है 10:30, वो लोग आए थे 7:30 बजे। 3 घंटे में उन्होंने पूरा किचन हमारा टॉप चेंज कर दिया है। ये मुझे उठा रहा है बट मैं उसे उठ ही नहीं पा रही हूँ। बेटा मम्मा को काम करना है, मैं तेरे साथ खेलती रहूंगी तो ये सब काम कौन करेगा बेटू? मुझे मेरी मम्मा को बुलाना पड़ेगा फिर मैं गिर जाऊंगी आमिर, मैं गिर जाऊंगी तो यहाँ तक ये हो गया है अच्छे से। यहाँ पर जितना था उतना मैंने लगा दिया है। ये देखो ये मैट भी सूख गई है, तो फिर मैं इसे जाके लगा देती हूँ अभी। और प्लेन की आवाज़ आ रही है लगता है, नहीं कुछ और चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ की इतनी आवाज़ आ रही है, प्लेन चल रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही है। नया किचन लग गया है, सारा सामान भी मैंने लगा दिया है और जल्दी जल्दी मैं भाग रही हूँ कहाँ, पार्टी में। फटोफट ये लॉक कर दूँ, लाइट भी बंद करनी है, सारा काम ख़त्म करके निकलते हैं मैं और अर्पी पार्टी के लिए। और ये मैचिंग के सैंडल है जिसको मैं कार में बैठ के पहनूंगी। गिफ्ट पकड़ने के लिए दे रहा है डेनिस ब्रदर को, क्योंकि उसे कार में बैठना है कब का लेके घूम रहा था। चलो चलो बैठ जाओ। मैं आमिर, हम यहाँ पीछे बैठे हैं। आमिर हाय करो। बिजी है फिर भी आए तो बोला तो अभी हम लोग आ गए होटल में। खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर भी पौधे हैं। और मैं एक चीज भूल गई हूँ, वो अर्पित लेने अभी घर पर गए हैं। आमिर पापा के बिना अंदर नहीं आ रहा है और सब लोग आ गए हमारा वेट कर रहे हैं। बेटा चल बर्थडे करवाना, आपने विश चल 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 बर्थडे विश करिए। नहीं आएगा ये मम्मी हाँ मैम एवं ना कर बेटा, चल ना माँ दिख रहा चल, ये मुझे कहाँ ले जाएगा चल। गुड बॉय, चलो ये हाय करीसा, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं और ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, ऐसे तो अर्पित की फ्रेंड है बट मेरी भी है। और ये है उनके पार्टनर तो अभी अर्पित की वेट करके हम लोग यहाँ पर ही बैठ रहे हैं और इंजॉय करेंगे। तो आमिर मुझे बाहर लेकर आ गया है और अभी वापस से हम लोग यहाँ पर अर्पित का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अनहैप्पी होता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर वो जो बोल रहा है वो मैं करती हूँ। वो रोता तो नहीं था बट मुझे खींच के बोल रहा था कि चलो बाहर चलते हैं तो फिर मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, करीसा थी तो वो तो कोई माइंड करे ऐसी लड़की नहीं है इसलिए चलता है। तो मैं उसे बोल कर आई कि आमिर ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तो बोले अच्छा कोई बात नहीं जाओ। वेलकम। अभी आ गए हैं अर्पित, तो आमिर हो गया है खुश एकदम, ये अभी आएगा अंदर है ना दौड़ दौड़ के। हेलो स्मिता टीना को, स्मिता टीना को आपो आपो आंटी ने आपो जाओ, आंटी ने बर्थडे है ना विश करो। हाउ आर यू अर्पित? थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ये होता है मिलाप, पर्स भी गिर गया। तो आज पूरा दिन बिजी था तो मैं कार्ड घर पर नहीं लिख पा रही थी, तो यहाँ पर आके मैं लिख रही हूँ। तो स्मिता के लिए ब्यूटीफुल कार्ड है। नीचे ना रखा है, ये देखो इसमें तो माल मचा दिए। यहाँ पे तबला बजा रहा था वो, ये लकड़ियों से। प्लेट में ग्लास रखना होता है हमें। So you get that if you need to actually ask a competition. Oh, 100%. Yeah. अंदर अभी पार्टी कंटिन्यू है और आमिन को यहाँ पर खेलना है। देखो ये गोल गोल घूमता रहता है इसके दूर। हाँ चल अब अंदर। इसके गोल गोल ही घूम रहा है कब का। अभी अर्पिता आ गए उसके साथ खेल रहे। गिर गया। नहीं क्या अन्ना वो करे जो थाकी क्यों थी। अभी आइसक्रीम का ये दूसरा कप खा रहा है आमिन, क्योंकि आमिन को आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। ये तेरा कप आ रहा है साइड में, ला मैं पिला। Okay, I will. I'll just say. We're already committed. But Smita, no, no, this is after. This is last year when we go. Hey, this is the first time you come into the Japanese restaurant. Yeah. How's your experience? Girl story. It was so nice. I went inside. Ah. It was really nice. Because finally, want to record. How was your experience coming into the market? To be honest, it was really nice. And you want your kids to be here again, right? Of course. They love Japanese food. Thanks, Damien. No. Oh, sorry. Look. Me, you, and Jos, and Smita, Karisa, and Smita. Like, you know, we want them as a family. And Falguni. And Falguni. We all together, right? Falguni, all the very best for your channel. You're doing a fantastic job, okay? Thank you so much. And the Japanese restaurant was amazing. Thank you. Arpreet for recommending it. We loved it. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. No, stay there. Just stay there. तो जो लोग मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं उन सबको पता है कि मुझे और अर्पित को जापानीज फूड खाना बहुत ही पसंद है, और हम लोग बार बार यहाँ पर आते हैं। साल में पता नहीं कितनी बार आते हैं, कुछ भी होता है हम लोग यहाँ पर ही आते हैं। तो हम लोगों ने हमारे फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया कि एक बार वो लोग भी हमारे साथ आए, और उन लोग को भी बहुत मज़ा आया। सब लोगों ने इतना खाया है पेट भर भर के कि क्या बोलूँ मैं आपको। और सबको अच्छा लगा है, सब लोग खुश हो गए और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने ये खाना खा के। और कहीं घूमने जाना होता है ना तो हम लोग यहाँ पर खाना खाने के बाद ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वापस आने वाले हैं। तो ये वाला खाना हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ
मिलने वाला नहीं है इसकी वजह से। और अभी देखो बीच हंडने का तो नाम कोई जल्दी लेगा नहीं, सब लोग वहाँ खड़े रहे, बाद में यहाँ खड़ा रहे, सब लोग ऐसा ही चलता रहता है हमारे यहाँ तो। आप लोगों को पता ही है जब भी हम मिलते हैं पूरे रेस्टोरेंट में सबसे लास्ट में हम लोग थे, और बाहर आके भी हम लोग नहीं जुदा हो रहे सबसे तो। और सब लोग ने मुझे मेरे वीडियो के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग, इसलिए मुझे मतलब दोस्त किसको कहते हैं, हर पल में हमेशा हमारे साथ रहते हैं उसी को ही कहते हैं ना, तो बस ऐसा ही है यहाँ पर। और बहुत ही हम लोग इंजॉय करते हैं साथ में। और देखो मेरा आमिर अभी फोन पर ही रहता है वो तो उसका, और हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। देखो बार बार गले ही मिले जा रहे हैं, गाड़ी आके भी किसी को भी जाने का मन नहीं हो रहा है। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय, थैंक यू करिसा। सी यू, सी यू अमन, अमन टाटा करो। ओके बाय। Amen, we both excited. Okay, ta-ta! You know what time is, mom? Yes, I know. Yeah. Hello, hello. Who are you? आई है डैनियल की मॉम, उनको लेने के लिए। ये बात इतनी है, मैं मम्मी हूँ। Thank you. और बेट आया, मड़वा आया। Yeah. अभी हम लोग भी उस साइड जा रहे देखो ये दोनों को फोटो साथ में लेना बाकी रह गया अभी तो यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और बहुत ही थक गए हैं खाना खा खा के, आपको हमारी आंखों से ही लग रहा होगा। और अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नए व्लॉग में।